गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडेज टॉपिक इज ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स. वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी अबाउट कॉमर्स. नाउ वी हैव डिस्कस्ड व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉमर्स. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉमर्स. फर्स्ट वी हैव ट्रेड एंड सेकेंड एड्स और auxiliaries to trade, trade and aids to trade. Trade, you have already learned about it. What is trade? Trade is buying or selling of goods. Here we cannot include services, because in trade the buying or selling, only goods are include in this. जो ट्रेडर्स होते हैं वो गुड्स के में डील करते हैं, प्रोड्यूसर्स से गुड्स को उठाते हैं और कस्टमर्स मतलब मार्केट तक उनको पहुंचाते हैं. तो ट्रेड, व्हाट वी कैन से अबाउट ट्रेड, ट्रेड इज़ अ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड दोज पर्सन हु डन दीज एक्टिविटीज़ आर नोन एज ट्रेडर्स. व्हाट इज़ एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड, which is the part of commerce. Aids to trade means those activities or those services which help to do the trade. Means वो सारी activities, वो सारे works जो trade को करने में help करते हैं, purchase और sale को करने में help करते हैं, वो सारी services, वो सारी activities किसमें आएंगी? Aids या फिर auxiliaries to trade. The main objective or the main motive to do a trade is earning profit. Like business, in business the main objective is to earn a profit. Same with this, the main objective to do a trade is earning profits. Here trader will not produce the goods. The work of trader is to help in making the goods produced available to ultimate consumers or users. It means कि traders जो होंगे वो goods को produce नहीं करेंगे, जो goods को produce करेंगे वो होंगे producers. Traders का काम होगा जहाँ पर goods produced हो रहा है उस place से goods को ultimate customer तक पहुँचाने का काम traders का होगा. जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर ये ट्रेडर्स ना हो तो व्हाट विल बी द सिचुएशन. जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको कस्टमर चाहिए ताकि वो जो उन्होंने जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किया है वो कस्टमर को प्रॉपरली एट टाइम एट राइट क्वांटिटी पे मिल पाए. कस्टमर्स को गुड्स चाहिए तो उनको प्रोड्यूसर्स से मिलना होगा. तो प्रोड्यूसर्स कस्टमर या कस्टमर प्रोड्यूसर्स के बीच का ये जो लिंक है वही होते हैं ट्रेडर्स, ताकि प्रोड्यूसर्स को प्रॉब्लम ना हो कि वो उन्हें कस्टमर को सर्च करना है, या कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो कि हमें ऐसे प्रोड्यूसर्स को सर्च करना है जो हमारी नीड्स को, हमारी डिमांड्स को फुलफ़िल कर सके. तो ये जो बीच का लिंक है जो प्रोड्यूसर्स और कस्टमर को जोड़ रही हैं वो होते हैं ट्रेडर्स. ये जो प्रॉब्लम अराइज ना हो, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन मींस लैक ऑफ पर्सन, कि ऐसे हमें पर्सन चाहिए जो इनके बीच की जो कमी है, जो बीच का लिंक है, जो गैप है उसको रिमूव कर सकें. तो ट्रेड विल रिमूव दिस प्रॉब्लम ऑफ और लैक ऑफ पर्सन. द पर्सन हु विल डू ट्रेड इज नोन एज ट्रेडर्स और मिडलमैन. Now further, trade has been categorized into two main categories. Let's see what are the categories. Trade has been categorized into two main categories. First, internal trade and second is external trade. जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है internal, it means inside the country. External means outside the country. तो what is internal trade? Internal trade are those trade in which buying
and selling of goods and services within the geographical boundaries of the country. It is also known as home trade. अगर कोई आपसे पूछे कि what is home trade, तो confused मत होइएगा. Internal trade is also known as home trade. तो internal trade ऐसे trade होते हैं जिसमें buying और selling of goods and services हमारी country की जो geographical limit है उसी में होते हैं. मतलब हमारे ही कंट्री के प्रोड्यूसर्स होंगे, हमारे ही कंट्री के सेलर्स होंगे, हमारे ही कंट्री के बायर्स भी होंगे. जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी सेम कंट्री के होंगे, जो ख़रीदने वाले हैं मतलब बायर्स वो भी सेम कंट्री के होंगे. तो व्हेन अ पर्सन डू अ बिजनेस डू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री इज़ नोन एज इंटरनल ट्रेड. वो पर्सन जब अपनी कंट्री के अंदर वो बाइंग और सेलिंग करेगा गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसे हम कहेंगे इंटरनल ट्रेड और होम ट्रेड. इसमें बायर और सेलर सेम कंट्री का होगा और इसमें जो पेमेंट होगी, भाई सेलर ने कोई चीज़ सोल्ड किया और बायर ने उसे परचेज़ किया तो विदाउट एनी मनी इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो उसमें जो करेंसी इंक्लूड होगी वो भी कंट्री की ही होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो चीज़ अगर सेलर्स इंटरनल ट्रेड हो रहा है तो सेलर्स भी इंडिया के होंगे, बायर्स भी इंडिया के होंगे, सेम प्लेस के सेम कंट्री के दोनों लोग होंगे. ये पॉसिबल हो सकता है कि स्टेट अलग अलग हो. मतलब अगर सेलर एमपी का है तो बायर यूपी का होगा. स्टेट अलग हो सकते हैं लेकिन कंट्री आपकी सेम रहेगी और करेंसी भी आपकी कंट्री ही वाइज होगी. Further, internal trade has been also categorized into two main categories. First is wholesale trade and second is retail trade. What is wholesale trade? कई बार आपने नाम सुना होगा wholesaler, wholesale trade या retailer, retail trade. तो what is wholesale trade? This is the trade in which buying and selling of goods in large quantities. The wholesaler buys goods from the manufacturers or producer in large quantities and sell them in small quantities to the retailer. He maintains large stocks of goods. It means wholesalers जो होते हैं वो manufacturers या प्रोड्यूसर्स से लार्ज क्वांटिटी में, बल्क में, जिसको हम कहें बल्क में, वो लार्ज क्वांटिटीज़ में मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से गुड्स को परचेज करते हैं और फिर स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर्स को सोल्ड करते हैं. याद रखिए कि होलसेलर्स जो हैं वो लार्ज क्वांटिटी में करते हैं, तो इनके पास जो भी जिस प्रोडक्ट में ये डील करेंगे उसका इनके पास लार्ज स्टॉक होगा और किसी ना किसी एक टाइप ऑफ गुड्स में ये स्पेशलाइज्ड होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई होलसेलर टेक्सटाइल्स का वर्क कर रहा है और होलसेल ट्रेड में उसने टेक्सटाइल्स क्लोथ्स ले लिए हैं, प्रोड्यूसर्स जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लार्ज क्वांटिटी में उन्होंने क्लोथ्स ले लिए, उसके बाद लाकर रिटेलर्स को स्मॉल क्वांटिटी में सोल्ड कर दिया. तो ये होलसेलर्स जो होते हैं वो वन टाइप ऑफ वन फील्ड में ही वो प्रोडक्ट करेंगे. ऐसा नहीं है कि गारमेंट्स भी रखी हैं और फैशन के भी रख लिए हैं, ईटिंग मटेरियल भी रख लिया, सिर्फ और सिर्फ वन टाइप ऑफ गुड्स में ये डील करते हैं और इनके पास लार्ज स्टॉक होता है. क्यों? क्योंकि ये जो है प्रोड्यूसर से लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ गुड्स को मिस सेल करते हैं, फिर रिटेलर को स्मॉल क्वान्टिटी में सोल्ड करते हैं. The person who will do wholesale trade is known as wholesalers. Next we have retail trade. Retail trade is those trade in which a buying and selling of goods in small quantities. A retailer serves as a link between the wholesaler and manufacturer and the customer also. He maintains personal contacts with ultimate buyers. It means कि जो रिटेल ट्रेड होता है, जो रिटेलर्स होते हैं वो होलसेलर से ख़रीदते हैं और फिर उसको डायरेक्टली किसको सोल्ड करते हैं, कस्टमर्स को. तो
तो ये जो रिटेलर्स होते हैं इनके पास लार्ज क्वांटिटी में या बल्क में प्रोडक्ट्स नहीं होते, इनके पास छोटे छोटे स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स होते हैं लेकिन वेराइटीज़ होती है। मतलब रिटेलर्स अगर चाहें तो टेक्सटाइल्स भी रख सकते हैं, वो फैशन की भी रख सकते हैं, वो फुटवेयर भी रख सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये रिटेलर्स होते हैं जो स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्रोडक्ट्स को रखते हैं लेकिन उनके पास वेराइटीज़ होती है। होल सेलर्स से रिटेलर्स स्मॉल क्वांटिटीज़ में ख़रीदते हैं और फिर अल्टीमेट किसको सोल्ड करते हैं, कस्टमर्स को। सो दिस इज़ द चेन, प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस द गुड्स, होल सेलर विल परचेज द गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर इन लार्ज क्वांटिटी, रिटेलर एंड होल सेलर सेल्स देम देयर प्रोडक्ट्स टू द रिटेलर इन स्मॉल क्वांटिटी। व्हाट विल डू रिटेलर, रिटेलर विल परचेज द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द होल सेलर इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड सोल्ड इट टू द अल्टीमेट कस्टमर। दैट्स वाई ही कॉन्टैक्ट्स ही हैव पर्सनल कॉन्टैक्ट्स विद द अल्टीमेट कस्टमर। कस्टमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, रिटेलर। तो कस्टमर रिटेलर के पास जाएगा तो रिटेलर के पास पर्सनल कॉन्टैक्ट्स पर कस्टमर के बन जाते हैं, और इसीलिए कस्टमर जो भी नीड करता है वो रिटेलर को बताता है कि हमको इस टाइप के प्रोडक्ट चाहिए, और रिटेलर पास करता है होलसेलर को और होलसेलर प्रोड्यूस पास करता है प्रोड्यूसर को, और तब प्रोड्यूसर उसी टाइप के गुड्स को एज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर प्रोड्यूसर पर वो चीज़ प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस इंटरनल ट्रेड एंड नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड जैसे कि नाम को आपको पता चल रहा है, द ट्रेड विच इज़ डूइंग आउटसाइड द कंट्री। सो what is external trade, external trade in which buying and selling of goods and services between persons or organizations operating in two or more countries, it is also known as foreign trade. External trade is also known as foreign trade or we can say international trade. So what is external trade, just opposite the internal trade. External trade are those trade in which a person buying and selling of goods and services outside the country. इसमें person दूसरी country के साथ goods और services को आपस में purchase करेगा या फिर sold करेगा, तो इसमें दो countries का होना ज़रूरी है। Same country में तो ये trade होता नहीं है, तो मान लीजिए एक इंडिया है और एक US है, तो the trade between India and US is known as external trade because there are two countries are involved. External trade में दो अलग अलग countries को involved होना ज़रूरी है। तो examples में you can take trade between India और US और trade between India with China, no, China is not included. So we can say that trade between India or any other country. There must be two countries involved in external trade. अच्छा, external trade में जो buyers और sellers होंगे वो different country के होंगे। अगर India और US के बीच में trade हो रहा है तो India का buyer होगा, US का seller होगा, या फिर इंडिया का सेलर होगा और यूएस का बायर होगा, तो दो अलग अलग कंट्रीज़ के बायर और सेलर होंगे, और पेमेंट जो है यहाँ फॉरेन करेंसी में होगी। अगर इंडिया सोल्ड कर रहा है तो यूएस उसको परचेज करेगा तो वो किस में पेमेंट करेगा, यहाँ की करेंसी मतलब रुपी में, और अगर इंडिया सोल्ड कर रहा है तो वो उसको डॉलर में फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर में उसको पेमेंट करना होगा, तो यहाँ फॉरेन करेंसी इंक्लूड हो जाती है। फर्दर दिस एक्सटर्नल ट्रेड हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज। सो एक्सटर्नल ट्रेड हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज, लेट्स सी, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंट्री पोर्ट ट्रेड। स्टूडेंट्स जस्ट सी द स्पेलिंग ऑफ इंट्री पोर्ट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिटन wrong spelling of entry port, it is entrepot, entry port. So import, export and entry port. What is import trade,
कई बार आपने सुना होगा कि ये इम्पोर्टेड गुड्स है, ये इम्पोर्टेड, मेरी वॉच इम्पोर्टेड है. तो ये इम्पोर्ट क्या होता है? इट रिफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री. जब हम किसी फॉरेन कंट्री से, मतलब बाहर की कंट्री से गुड्स को इम्पोर्ट करते हैं, मतलब हम परचेज कर रहे हैं फॉरेन कंट्री से, हम अपनी कंट्री में उसको मंगवा रहे हैं, उससे हम परचेज कर रहे हैं. तो इन दिस केस द फॉरेन कंट्री इज़ अ सेलर एंड आर कंट्री इज़ अ परचेजर. फॉर एग्ज़ाम्पल, परचेज ऑफ मोबाइल फोन्स फ्रॉम US इनटू इंडिया. इन दिस केस US इज सेलर एंड इंडिया इज़ द परचेजर और बायर. नेक्स्ट, एक्सपोर्ट. इट इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ इम्पोर्ट. एक्सपोर्ट में क्या होगा? जब इट रिफर्स टू सेल ऑफ गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री. जब हम अपने ही गुड्स,